सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑन जोजी मास्टर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नो के स्मार्टफोन्स को लेकर। दोस्तों, टेक्नो जो है अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, टेक्नो कैमन 15। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, टेक्नो में जो कैमन की सीरीज़ है वो इतनी ज़बरदस्त जा रही है कि कैमन 12 के हॉट सेलिंग मॉडल होने के बाद यहाँ पर फाइनली इंट्रोड्यूस किया गया है टेक्नो कैमन 15। दोस्तों, इस स्मार्टफोन की हम बात करेंगे लोको डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। और इससे पहले दोस्तों, टेक्नो जो है अपना एक और स्मार्टफोन जो है लॉन्च करने वाला है, और उसने काफ़ी दिनों पहले इंट्रोड्यूस किया है पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ अपना एक स्मार्टफोन, जो कि दोस्तों टेक्नो की हो सकता है दूसरी सीरीज़ में लॉन्च हो या फिर कैमन की सीरीज़ में ही लॉन्च हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, कैमन 15 जो है वो ऑफिशियल हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों, हम बात करते हैं इसके लोको डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन को लेकर। तो सबसे पहले दोस्तों, बात करते हैं स्मार्टफोन के लोको डिज़ाइन को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों, ये स्मार्टफोन जो है आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 10 के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और लोको डिज़ाइन में दोस्तों, इसमें जो है आपको बैक पर रेक्टेंगुलर शेप में कैमराज देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आपको सैमसंग के A51 में देखने को मिले थे। अब यहाँ पर दोस्तों, फ्रंट पर आपको जो है पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों, बात करते हैं स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन को लेकर। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में जो है आपको 4GB रैम एंड 128GB का वेरियंट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों, आपको जो है चिपसेट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है, कैमन 12 में आपको जो है हीलियो P22 का चिपसेट देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको 665 प्लस स्नैपड्रैगन का यहाँ पर जो है आपको चिपसेट देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में दोस्तों, 48 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा आपको देखने को मिल रहा है और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अब यहाँ पर दोस्तों, टेक्नो और इन्फिनिक्स, ये दोनों जो स्मार्टफोन की जो कंपनीज़ हैं, ये अपने स्मार्टफोन्स में जो है ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं और बजट इनका काफ़ी कम होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में हमें जो है 4000 mAh की बेगर बैटरी प्रोवाइड की जाएगी, और साथ ही में दोस्तों, ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं स्मार्टफोन की रिलीज डेट को लेकर। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन जो है Q2 में रिलीज़ हो जाएगा, 2020 के Q2 में ये स्मार्टफोन रिलीज़ होगा। बात यहाँ पर करते हैं इसकी प्राइस सेगमेंट को लेकर। तो पाकिस्तान में दोस्तों, इसकी जो प्राइस आ रही है, एक्सपेक्टेड प्राइस आ रही है, वो है 24,000 रुपये। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में लगभग आपको जो है 9,000 के प्राइस सेगमेंट में ये स्मार्टफोन जो है देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, टेक्नो का जो है अब तक का सबसे बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है और सबसे एक्सपेंसिव डिवाइस होने वाला है, और बजट के लिहाज से सबसे कम बजट में ज़्यादा फीचर्स वाला डिवाइस होने वाला है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन को लेकर आपकी क्या राय है, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।